Hi student, in the last lecture we read about the affecting factor of evaporation. Dear student, हमने पिछले lecture में ऐसे factor के बारे में पढ़ा था जो जिस पर evaporation process क्या था depend करता था. आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या reason होता है कि evaporation process के बाद हमको ठंडा feel होता है, cold feel होता है, ठीक है ना. तो what is the reason why the process of evaporation we feel coldness, ठीक है ना. तो देखते हैं, ठीक है ना. हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, evaporation cause cooling. तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम इसको जो है एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है. हमने क्या किया है, डायग्राम क्रिएट कर लेना है ऐसे, ठीक है. हमने एक पॉट ले लिया है और इस पॉट में क्या है, लिक्विड है. चलिए लिक्विड हमने फिल कर दिया. अब ये वेपरेशन प्रोसेस जब होता है तो ये जो लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनको एनर्जी मिलता है तो ये एनर्जी लेकर क्या कर जाते हैं, बाहर रिमूव हो गए, ठीक है. ये रिमूव हो गए हैं, ठीक है. तो देखिए पहली बात क्या है, ये इवेपोरेशन प्रोसेस तभी स्टार्ट होता है जब हम इसको हीट एनर्जी देंगे. आप जब हीट एनर्जी आप इसको देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी कंटेन कर लेगा और ये एनर्जी कंटेन करके अपना सरफेस छोड़ देगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. अब देखिए जैसे ये एटमॉस्फेयर में चला गया तो ये लॉस्ट हो गया, ठीक है. ये अपने साथ एनर्जी भी लॉस्ट किया हमारा जो हमने इसको दिया, ठीक है. अब इस लॉस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, विकास अगर एनर्जी नहीं मिलेगा इसको तो ये दिक्कत हो जाएगा, मतलब मेंटेन नहीं कर पाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है. तो ये एनर्जी कहाँ लेता है, सराउंडिंग से लेता है, और जब ये सराउंडिंग से लेगा तो हमको ठंडा फील होता है. बेटा यही रीज़न होता है कि जब ये वेपरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको ठंडा लगता है, ठीक है ना. लाइक जैसे देखिए हम लोग क्या होता है, कॉटन क्लॉथ है, ठीक है. गर्मी में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो कॉटन क्लॉथ पहनने का सीधा सीधा सिंपल रीज़न ये होता है, जब गर्मी होता है तो जब हमको गर्मी लगती है तो हमारे बॉडी से पसीना रिलीज होगा, ठीक है. और जब वो रिलीज होगा तो उस पर क्या होता है, वो हमारा कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर से हम विंड ब्लो हो रहा है, हवा चल रही है, तो जब विंड ब्लो होगा तो कॉटन क्लॉथ से उस पसीने के मॉलिक्यूल को अपने साथ ले जाएगा, और जब वो मॉलिक्यूल अपने साथ ले जाएगा तो हमारे पास से एनर्जी लॉस्टिंग होती है जिससे हमको ठंडा फील होता है, ठीक है. ये प्रोसेस हो गया. अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे. डिफरेंस किसमें किसमें पढ़ेंगे, इवेपोरेशन और बॉयलिंग में, कि बॉयलिंग और इवेपोरेशन में फ़र्क क्या है, कि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस दोनों में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है. अभी दिखा रहे हैं कौन सा फ़र्क है. तो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंस बिटवीन बॉयलिंग एंड इवेपोरेशन. तो अब देखिए जहाँ तक हम बॉयलिंग की बात करते हैं तो बॉयलिंग में क्या होता है, ये एक क्या होता है, बुल्क फिनोमिना होता है, ठीक है. बुल्क कहिए या होल कहिए, ठीक है, फिनोमिना होता है. अब बुल्क फिनोमिना में क्या होता है, जैसे देखिए बॉयलिंग आप जान रहे हैं क्या होता है, बॉयलिंग मीन्स हमारा जो लिक्विड है ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, ठीक है ना. और जब ये लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो हम इसको एनर्जी देते हैं, तो ये एनर्जी क्या होता है, बॉयलिंग में पूरा होल प्रोसेस होता है, संपूर्ण प्रोसेस होता है, ये पूरे पार्टिकल्स में होते हैं, ठीक है. जो हम लिक्विड लिए हैं इस लिक्विड के पूरे पार्टिकल्स में बॉयलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है. बट इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता है. इवेपोरेशन में क्या होता है, ये एक सरफेस का
सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस फिनोमिना क्या होता है, जैसे जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ये भी खैर लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होता है, ऐसी बात नहीं है, वेपर और गैस ये भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, पर इसमें क्या रीज़न होता है, जो आपके लिक्विड है, लिक्विड के जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं वही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गैस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसी यही इतना फर्क है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि बॉइलिंग जो होता है वो होल प्रोसेस है एंड इवेपोरेशन इज अ सरफेस प्रोसेस, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग में क्या है। केल्विन और सेल्सियस स्केल में जैसे जो टेम्परेचर होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को देखिए डिफाइन क्या मेजर करने के कई यूनिट्स हैं, जैसे सेल्सियस है आपका, केल्विन है, फारेनहाइट है, बट जो हमारा एसआई है, एसआई यूनिट मतलब क्या होता है इंटरनेशनल लेयर पर, वो केल्विन होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए केल्विन और सेल्सियस स्केल, ठीक है। देखिए, तो पहला इसका जो है पॉइंट हमारा हो जाता है कि जो केल्विन होता है, केल्विन इज अ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का क्या है, एसआई यूनिट है, एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में 273.16 केल्विन होता है, बट देखिए जो 0.16 है ये हमारे कैलकुलेशन को क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, इसलिए हम जो है 0.16 को लेते ही नहीं, 273 केल्विन ही यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात करते हैं, दूसरे पॉइंट पे हम बता दे रहे हैं आपको कि जो यूनिट होता है एसआई यूनिट टेम्परेचर का, वो केल्विन हो गया, ठीक है ना। तो हमने टेम्परेचर को केल्विन में ले लिया, तो टेम्परेचर हमारा टेम्परेचर केल्विन में, इस केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है उसको हम बता दे रहे हैं। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, ये क्या होता है, रिलेशन होता है। इट मीन्स क्या होता है, अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो उस डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड कर दे रहे हैं तो हमको केल्विन में टेम्परेचर फाइंड आउट हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट ये है कि जो केल्विन स्केल होता है, टेम्परेचर का जो केल्विन स्केल होता है, ये हमेशा पॉजिटिव साइन कंटेन करता है, इसमें हमेशा पॉजिटिव साइन ही आता है, ठीक है ना, इसीलिए ये बिटर होता है, इट इज अ बिटर स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। बिटर किससे है, सेल्सियस से है, ठीक है, ये हो गया। और चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट ये है कि जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर को हम लोग ATM से रिप्रेजेंट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम लोग इसमें यू मेजर करते हैं पास्कल में, ठीक है ना। तो और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है किसके अकॉर्डिंग काम करता है, गैस जो प्रेशर लगाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा, तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं तो आपको जब स्कूल ओपन होगा तब हम बता देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।